मुनी नाम का मोर हमेशा जंगल के बाहर जाकर अपना समय बिताता था। एक दिन उसकी नजर एक रेलगाड़ी पर गई। छुक छुक करती हुई रेलगाड़ी आराम से जा रही थी। यह देखकर मोर को बहुत आनंद आ रहा था। उसने रेलगाड़ी पहली बार देखी थी। कितना सुंदर है ये! ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? ओह, ये दृश्य तो मैंने जंगल के बाहर कभी नहीं देखा। आखिर इसके बारे में जंगल के बाकी लोगों को पता भी है कि नहीं कि छुक छुक करती हुई शायद ये रेलगाड़ी पहली बार यहाँ से गुजरी है। मुनी मोर यह बात जाकर जंगल के बाकी लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता। क्या कह रहे हो? ये रेलगाड़ी क्या होता है? हाँ, कुछ आवाजें मैंने सुनी है नींद में, लेकिन सुबह सुबह जल्दी उठकर वहाँ जाकर देखना मुश्किल होगा। तुम चलकर तो देखो, सुबह सुबह का नजारा ही कुछ और है। जब छुक छुक करती हुई रेल आती है तो मन में इतनी उमंगे बढ़ने लगती है जैसे बारिश आने वाली हो। मन करता है कि मैं नाचूं, मैं गाऊं। क्या सच कह रहे हो तुम? मोनी की बात मानकर दोनों खरगोश उसके साथ अगली सुबह के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों खरगोशों को लेकर मोनी वहाँ पहुँचती है तो फिर से रेलगाड़ी आती है। तीनों जानवर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। गाड़ी से जाते हुए लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं और खुश होने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, छुक छुक करती हुई रेल को देखकर मन में खुशियाँ भर जाती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा था। कल मैं बाकी अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। और इस तरह अब सारे जंगल के जानवर सुबह धीरे धीरे जल्दी उठने लगे और छुक छुक करती हुई रेल को देखने के लिए हर कोई वहाँ तांता लगाकर खड़े होने लगा। आने जाने वाले लोगों को जानवरों को देखकर बहुत खुशी मिलती और जानवरों को रेल को देखकर बहुत खुशी मिलती, और जब रेल वहां से गुजरती तो सभी जानवर नाचने और झूमने लगते। अरे भाई मोनी, तुमने तो हर सुस्त इंसान की आदत को बदल दिया है। जब से ये रेलगाड़ी यहां से गुजरने लगी है, देखो ना, अब हम सब जल्दी उठते हैं, सैर पर जाते हैं, योगा करते हैं, और देखो ना, छुक छुक करती हुई रेल का आनंद लेकर झूमते हैं और नाचते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक समय की बात है, एक गांव में नंदी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपनी माँ के साथ मिट्टी के हाथी बनाकर बेचा करती थी। यही उनकी कमाई का अकेला जरिया था। वो गांव-गांव जाकर मिट्टी के हाथी बेचती और सिर्फ खाने लायक पैसे कमाती। एक दिन एक आदमी नंदी के पास आया। अरे वाह, तुम्हारे मिट्टी के हाथी बहुत प्यारे हैं। क्या तुम कल तक मेरे लिए ऐसे 100 हाथी बना पाओगी? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा बेटी। नंदी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उस आदमी से 100 हाथी बनाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन उस दिन जब नंदी घर वापस जा रही थी, तब एक मधुमक्खी ने उसके हाथ पर काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। देखो, मेरा हाथ तो सूज गया। हे भगवान, ये मधुमक्खी ने क्यों काटा मेरे हाथ पर? नंदी का हाथ सूज जाता है। नहीं, अब मैं कल तक 100 मिट्टी के हाथी कैसे बनाऊंगी? बड़े मुश्किल से एक व्यापारी मिला था जो 100 हाथी बनवाना चाहता था। माँ, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो गया माँ? हे भगवान, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नंदी बहुत रोती है और बार बार भगवान को पुकारने लगती है। नंदी को रोता हुआ पाकर एक परी उसके पास आती है। घबराओ मत बच्ची, तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो। आओ, मैं तुम्हारे हाथ को ठीक कर देती हूँ। अब तुम इन्हीं हाथों से उन सुंदर मिट्टी के हाथियों को बना पाओगी।
आओ मेरे पास। नंदी परी के पास जाती है। परी अपने नंदी के हाथ पर छूती है और सारी सूजन गायब हो जाती है। परी नंदी का हाथ ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। नंदी अब बहुत खुश थी। भगवान तुम बहुत अच्छे हो, परी को भेजकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करा है प्रभु। अब नंदी खुशी खुशी रात भर बैठ के अपनी माँ के साथ 100 हाथी बनाती है। अगले दिन व्यापारी आता है और सारे हाथी खरीद लेता है और इसके बदले नंदी को बहुत बड़ी रकम देता है। नंदी बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। आपको आगे भी कभी ऐसे हाथी बनवाने हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं और भी अच्छे और सुंदर हाथी बना कर दूंगी। बिल्कुल क्यों नहीं नंदी, तुम बहुत गुणवान हो, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं अगली बार तुमसे 200 हाथी बनवाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नंदी और उसकी माँ खुश हो जाते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक मुर्गी वाला रहा करता था जिसका नाम था रामू। वो अपनी सभी मुर्गियों को बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार से पालता था और उनके अंडे बाजार में बेचा करता था। एक दिन रामू ने देखा कि उसकी एक मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही थी। उसकी तबीयत खराब थी, वो हमेशा दुखी रहा करती थी। रामू मुर्गियों के डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी मुर्गी काफी समय से अंडे नहीं दे रही है और बीमार है, कुछ नाराज सी लगती है। डॉक्टर साहब कुछ समय बाद रामू से कहते हैं, तुम्हारी मुर्गी बहुत परेशान और उदास है। तुमने इसके सभी अंडे बाजार में बेच दिए, शायद इसी कारण वो उदास है। रामू डॉक्टर की बात सुन परेशान हो गया और इलाज के बारे में पूछने लगा। हाँ, इसका इलाज है, तुम अपनी मुर्गी के सामने कुछ नकली अंडे रख दो, जैसे मिट्टी के, प्लास्टिक के, किसी भी तरह के रख दो। मुर्गी उन्हें अपने अंडे समझकर उन्हें प्यार करेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रामू को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सीधा जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अच्छा, यही कारण होगा, हर माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और हमारा तो व्यापार ही ऐसा है कि अगर इनके अंडे ना बेचे तो हम खाएंगे क्या। लेकिन डॉक्टर साहब की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। तुम यहीं बैठो, मैं अभी मिट्टी के अंडे बनाकर लाती हूँ। रामू की पत्नी घर के पीछे जाकर थोड़ी सी मिट्टी ले आती है। उनका आटा गूंदकर छोटे छोटे अंडे बनाती है और उन पर सफेद रंग कर देती है। थे तो वो मिट्टी के अंडे, लेकिन वो एकदम असली मुर्गी के अंडों जैसे लग रहे थे। ये लो, इन अंडों को चुपचाप जाकर मुर्गी के पास रख देना और ध्यान रहे जब वो सो रही हो। ऐसा करने से उसका ध्यान भटकेगा, वो इन अंडों को अपना बच्चा समझेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है इन अंडों को देखकर वो फिर से अंडे देने लगे और फिर उसके अंडे हम बाजार में भी बेच पाएंगे। तुम ठीक कहती हो, मैं आज रात को ही ये काम कर दूंगा। रामू ने मौका पाते ही मिट्टी के अंडे मुर्गी के पास रख दिए। सुबह होते ही मुर्गी ने बांग दी और उसके बाद जब अपने अंडे देखे तो फूली न समाई। लेकिन जब रामू ने बाजार जाने के लिए अंडे इकट्ठे किए तो इस बार उसने मुर्गी के अंडों को नहीं लिया। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उसकी सारी उदासी दूर हो गई और फिर से अगले दिन से उसने अंडे देने शुरू कर दिए। गाय के घी वाला करोड़पति धर्मवीर नाम का दूध वाला गांव के बाजार में दूध जलेबी बेचा करता था। धर्मवीर की दूध जलेबी दूर दूर तक मशहूर थी। जो भी उस बाजार से गुजरता दूध जलेबी खाए बिना नहीं गुजरता था। धर्मवीर अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ देसी घी लेकर आता और उसके अंदर जलेबी बनाता। धर्मवीर का स्वभाव ही बहुत विनम्र था, वो हमेशा लोगों की मदद करना पसंद करता था। एक दिन एक सेठ और सेठानी बाजार में खरीदारी करने के लिए आए और दूध जलेबी खाने के लिए बैठ गए। तभी सेठानी ने कहा, अरे वाह, कमाल की जलेबी है, देसी घी में पकी हुई, वाह कितनी स्वादिष्ट है, मजा आ गया, सारी थकावट दूर हो गई। अरे हाँ,
खाने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि कल की पूजा के लिए पंडित जी ने और हलवाई ने 10 किलो देसी घी मंगवाया था। यह बात सुनकर सेठ बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, अब बता रही हो घी के लिए, जब सारा बाजार घूम लिया अब तो घी वाली दुकान भी बंद हो गई होगी। तुम्हें साड़ी और गहनों से फुर्सत मिले तब तो तुम्हें याद रहे, चलो अब। माफ कीजिए, गलती हो गई, भूल गई थी। सारा दिन धूप में सामान खरीदने के चक्कर में बहुत भूख लग गई थी, मगर अब हम क्या करेंगे? सेठ जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे धर्मवीर, तुम क्या मदद कर लोगे भाई, मुझे तो कल पूजा और खाने के लिए गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए, वो भी पूरे 10 किलो। अब बताओ तुम कहाँ से लाओगे? धर्मवीर दुकान के अंदर जाकर 10 किलो देसी घी लाकर उन्हें दे देता है। सेठ सेठानी खुश होकर घी खरीद लेते हैं और घर चले जाते हैं। सेठ के घर पूजा और भोजन में धर्मवीर के देसी घी का इस्तेमाल होता है। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तब पंडित जी सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, भगवान की कृपा से पूजा बहुत बढ़िया हुई और खाने का तो आनंद ही आ गया। मेरी बात मानो, आपका नए व्यापार का योग बन रहा है। इस शुभ मुहूर्त में आप गाय के देसी घी और दूध का व्यापार शुरू कर दो, फायदा ही फायदा होगा। अरे पंडित जी ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, धर्मवीर से बात करता हूँ इस बारे में। अगले दिन सेठ धर्मवीर का धन्यवाद करने के लिए पहुँचते हैं और उसे कहते हैं, अरे भाई धर्मवीर, खाने का तो आनंद ही आ गया, भाई आखिर इस स्वाद का राज क्या है? धर्मवीर सेठ को अपनी माँ के नुस्खे के बारे में बताता है और सेठ धर्मवीर को एक अच्छा प्रस्ताव देते हैं। भाई धर्मवीर, क्यों ना हम मिलकर देसी घी का व्यापार शुरू करें, पैसे मैं लगाऊंगा और नुस्खा तुम्हारा होगा और मुनाफे में भी तुम आधे के हिस्सेदार होंगे, कहो क्या बोलते हो? धर्मवीर हाँ कर देता है और कुछ ही महीनों में वो छोटा मोटा नहीं बड़ा व्यापारी बन जाता है और करोड़ों रुपए कमाता है और अपनी माँ का धन्यवाद करता है।